आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एम्बालमिंग। एम्बालमिंग जो है यूनिट 15 जो है फाउंडेशन का, योर 15 यूनिट का जो है इट्स द लास्ट टॉपिक एम्बालमिंग। तो एम्बालमिंग जो है वो क्या होता है उसका सबसे पहले हम क्या डील करेंगे डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन इज एम्बालमिंग इज द प्रोसेस ऑफ सैनिटाइजिंग एंड प्रिजर्विंग ह्यूमन रिमेन्स बाय ट्रीटिंग देम विद केमिकल्स टू स्लो डाउन डिकम्पोजिशन। एम्बालमिंग का मतलब क्या है? एम्बालमिंग का मतलब ये है कि जो डेड बॉडी है डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखना है, डिकम्पोजिशन मतलब जो गल जाती है अंदर से जो बॉडी जो है तो उसको स्लो करना, जो उसको प्रिजर्व करके रखना। क्यों कुछ कुछ रीजंस ऐसे भी है कि हम लोग एम्बालमिंग क्यों करते हैं। पहला रीज़न तो ये है कि कोई भी उसका एनाटॉमी जो है एनाटॉमिकली अगर किसी को भी स्टडी करना है रिसर्च करना है उस चीज़ के लिए उसको प्रिजर्व करके रखना है। और उसके बाद दूसरा ये है कि कुछ कुछ ऐसे होते हैं रिलीजियस है, जैसे हम अगर बोले तो ये जो इजिप्शियंस जो है इजिप्शियन जो है जो मम्मी बना के रखते हैं तो क्या करते हैं कि केमिकल्स जो है उस टाइम जो भी उनके पास जो भी केमिकल्स वो लोग प्रोवाइडेड थे वहाँ पे तो केमिकल्स को यूज़ करके वो मम्मीफाइड करके रखते हैं। तो वहाँ पे तो जब हम लोग उसका जो उसकी जो रैप करके रखते हैं वाइट कलर का जब वो निकाल के रखते हैं तो ऐसा लगता है कि क्योंकि एयर जो है बिल्कुल टाइटली करके रखते हैं, एयर जो है उसके कांटेक्ट में ना आए। उसके बाद इसलिए क्योंकि वो डिकम्पोज जल्दी ना हो। एम्बालमिंग हम लोग इसलिए करते हैं केमिकल्स के यूज़ करके, कुछ ऐसे बहुत सारे केमिकल्स जो आगे हम जाके पढ़ेंगे, बहुत सारे केमिकल्स को हम यूज़ करके क्या करते हैं डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखना। प्रिजर्व करके रखना कोई भी रीज़न के वजह से, या तो पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल के लिए या कोई भी रिलीजियस व्यूज़ के वजह से, तो उस चीज़ को हम लोग प्रिजर्व करके रखना या तो इसीलिए रीज़न से ताकि क्या हो कि किसी की फैमिली जो है अगर बहुत दूर रहते हैं तो वो लोग फ्यूनरल के लिए नहीं आ पाते हैं, तो उस चीज़ के लिए जब तक फ्यूनरल ना हो तब तक बॉडी जो है वो डिकम्पोज ना हो जाए तो उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए हम लोग एम्बालमिंग जो मेथड जो है वो हम यूज़ करते हैं। एम्बालमिंग जो है इट इज़ अ मेथड फॉर प्रिजर्विंग द डेड बॉडी बाई यूजिंग सम केमिकल्स। एम्बालमिंग में जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं? देयर इज़ फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ होता है, ग्लूटेल्डिहाइड यूज़ होता है, मिथेनॉल, इथेनॉल एंड अदर सॉल्वेंट्स। मतलब कि ये जो केमिकल्स है ये सारे यूज़ होता है बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए। तो आगे हम जाके हम थोड़ा सा पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ एम्बालमिंग। एम्बालमिंग के कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं यहाँ पे क्या है, चार स्टेप्स दिखाया गया है। चार स्टेप्स में से सबसे पहला स्टेप्स जो है आर्टेरियल एम्बालमिंग। आर्टेरियल से पता लग रहा है आर्टरी का एम्बालमिंग। आर्टरी में हम कैसे करेंगे? ब्लड इज़ डिस्प्लेड फ्रॉम द राइट जगुलर वेन। इट इन्वॉल्व्स द इंजेक्शन ऑफ एम्बालमिंग केमिकल्स इनटू द ब्लड वेसल्स यूजुअली वाया द राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। मतलब क्या करना है, आर्टरी एम्बालमिंग में क्या होता है जितनी भी ब्लड जो है हमारी जो पूरी बॉडी सर्कुलेशन में पूरी बॉडी में जितना भी ब्लड जो है वो हम कहाँ से हम निकालेंगे, राइट जगुलर वेन से। राइट जगुलर वेन जो है आपको यहाँ पे जो है जगुलर वेन होती है तो यहाँ से क्या है वेन्स जो होती है इट कैरीज द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब कि जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है दैट इज़ नोन एज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो उसमें क्या होता है जगुलर वेन जो है यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करेंगे जगुलर वेन से जितने भी ब्लड है बॉडी में जितने भी ब्लड्स हैं कोशिश करेंगे उस सबको निकालना, क्योंकि क्या होगा ब्लड रहेगी तो फिर क्या होगा ब्लड में अगर बॉडी सर्कुलेट नहीं हो रहा है, बॉडी सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, हार्ट पंप नहीं हो रहा, हार्ट जो है बंद हो गया है तो फिर क्या होगा ये जो ब्लड जो है वो क्या कर सकता है इन्फेक्शन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया जो है वहाँ पर ग्रो कर सकती है धीरे धीरे। उसके बाद क्या होगा पूरे बॉडी में इट्स अ वेरी गुड मीडियम क्योंकि ब्लड जो है हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रैवल करती है। तो अगर हम केमिकल जो है जहाँ पे ब्लड ट्रैवल करके बॉडी को रिवाइव करके रखती है अगर उसी जगह पे अगर हम लोग ब्लड को निकाल के अगर हम केमिकल डालते हैं इट विल बी वेरी इजी फॉर अस बिकॉज जो ब्लड जो है पूरी बॉडी में ट्रैवल करती है। इसलिए राइट जगुलर वेन जो है यहाँ पे वो पैल्पेबल नहीं होता है जगुलर वेन जो है। तो यहाँ से जो है वेन जो है वहाँ से हम लोग क्या करेंगे जो पूरा ब्लड है बॉडी का वो सारा हम लोग सक्शन करके पूरा निकाल देंगे पूरे बॉडी से। उसके बाद हम क्या करेंगे इंजेक्शन ऑफ एम्बालमिंग केमिकल्स, मतलब जो केमिकल्स हमने यहाँ पे पढ़ा था फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह जो है मिथेनॉल इथेनॉल जो है वो उनको यूज़ करेंगे। एक उसका सोल्यूशन बना होगा ऑलरेडी, तो सोल्यूशन जो हम क्या करेंगे जगुलर वेन से हमने निकाल दिया जितने भी ब्लड है बॉडी में
और कैरोटिड आर्टरी जो है इट्स वेरी पैल्पेबल। अगर आप यहाँ पे महसूस करोगे तो यहाँ पे आपको पल्स मिलेगा। जहाँ पे आपको पल्स मिल रहा है तो वो जो है वो कैरोटिड आर्टरी है, इट्स ऑन द राइट साइड। तो क्या होगा, कैरोटिड आर्टरी में जगुलर वेन से सारा हमने ब्लड निकाल दिया, और कैरोटिड आर्टरी जो है, बिकॉज आर्टरी जो है वो थोड़ा सा बड़े होते हैं, सो दैट्स वाई आर्टरी में हम क्या करेंगे, जो भी केमिकल्स है वो सारा हम लोग इन्फ्यूज़ कर देंगे ताकि पूरी बॉडी में वो चीज़ सर्कुलेट हो जाए। वैसे ही फीमोरल आर्टरी जो है ये जो बॉडी पार्ट है, इस एरिया में क्या होता है, फीमोरल आर्टरी होती है। फीमोरल आर्टरी जो है ये जो है हिप एरिया ये है, और ये जो बॉडी, दिस इज़ द लेग्स। तो ये जो एरिया है यहाँ पे फीमोरल आर्टरी जो है वहाँ पे भी क्या होगा, वहाँ से भी हम इंजेक्ट कर देंगे ये जितने भी केमिकल्स है, ताकि बॉडी जो है वो डिकम्पोज ना हो जाए। क्योंकि अगर बैक्टीरिया का कांटेक्ट में आ गया बॉडी, तो फिर क्या होगा, बहुत जल्दी बॉडी जो है वो डिकम्पोज होना, मतलब गलना शुरू हो जाता है। तो फ्लूइड्स जितने भी है वो क्या करते हैं, बॉडी के जितने भी एड सेल वगैरह जो है, जितने भी सिक्रीशंस वगैरह हो रही है, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे गलाना शुरू कर देता है। दैट इज़ द रीज़न वी आर टेकिंग आउट ऑल द ब्लड्स एंड यू आर इंजेक्टिंग ऑल द केमिकल्स इनसाइड, सो दैट इट डजंट डिकम्पोज वेरी मच। तो दैट इज़ द रीज़न हम लोग क्या करेंगे, कैरोटिड आर्टरी में हम लोग क्या करेंगे, जग ये चीज़ याद रखना, आर्टेरियल एल्बमिन में जगुलर वेन से आउट करना है और कैरोटिड आर्टरी में इन करना है केमिकल्स। नेक्स्ट है हमारा कैविटी एम्बाल्मिंग। कैविटी से पता लग रहा है जहाँ पे कैविटी हो, जितने भी कैविटीज़ है, जैसे जितने भी ऑर्गन्स वगैरह हो गया, स्टमक एरियाज वगैरह हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे कैविटी मतलब जहाँ पे एक होलो स्पेस जो है, वहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, एक ऐसा कोई भी ऑर्गन ले लेते हैं हम, जैसे नॉर्मली अगर इसको हम लेंगे लीवर हो गया, या फिर हमारा स्प्लीन्स वगैरह हो गया, किडनी वगैरह जो हो गया, वहाँ पे क्या है, फ्लूइड जो भरा रहता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे ऑर्गन्स जो है कैविटी एनवायरनमेंट में, यही होता है कि जितने भी हम ये जो नेवल दिस इज़ द स्टोमक, ये जो नेवल जो है जिसको हम नाभि बोलते हैं, तो ये जो नेवल जो है, नेवल के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, इंसिशन मतलब ए स्मॉल कट करेंगे। कट करने के बाद क्या है, कट करने के बाद जितने भी ऑर्गन्स है वहाँ से हम लोग, जितने भी ऑर्गन्स का जो फ्लूइड है, जो लीवर ले लिया, किडनीस ले लिया, स्प्लीन्स वगैरह, निमोनिया, ये जो जितने भी पल्मोनरी ये जो है, वहाँ से हम क्या करेंगे, सारा जो है हम लोग उसको फ्लूइड जो है उसको हम लोग सक्शन करेंगे। फ्लूइड जो है सक्शन करने के बाद जितने भी ऑर्गन्स हैं वहाँ से हम लोग उनके जो नॉर्मल उनका फ्लूइड जो है वो सब कुछ सक्शन करने के बाद हम क्या करेंगे, उसी जगह पे फिर से हम लोग भरेंगे, क्या भरेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड्स वगैरह जितने भी केमिकल्स हैं एनवायरनमेंट के लिए वो भरेंगे, ताकि जो ऑर्गन्स जो है वो डिकम्पोज ना हो, उसके बाद क्या हो कि उसको हम लोग जितना हो सके उसको प्रिजर्व करके रखें। दैट इज़ नोन एज कैविटी एम्बाल्मिंग। मैं फिर से पढ़ देती हूँ, द सक्शन ऑफ द इंटरनल फ्लूइड्स ऑफ द कॉर्प्स एंड इंजेक्शन ऑफ एम्बाल्मिंग केमिकल्स इनटू द बॉडी कैविटीज़। अभी मैंने जो बोला यही है कि जिस हमारा लंग्स हो गया, लंग्स, लीवर, स्प्लीन हो गया, ये जो भी स्टमक एरिया हो गया, ये उसके बाद ये किडनी वगैरह हो गया, तो यह जहाँ जहाँ पे बॉडी कैविटीज़ है वहाँ वहाँ से सब जितने भी फ्लूइड्स जो है वो सब कुछ हम निकालेंगे, ऑर्गन्स से हम फ्लूइड्स को निकाल के फिर उस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, केमिकल्स डालेंगे ताकि डिकम्पोज ना हो। उसके बाद है हाइपोडर्मिक एम्बाल्मिंग। हाइपोडर्मिक से पता लग रहा है स्किन से रिलेटेड, डर्मी हो गया, ये जो भी है जहाँ जहाँ पे डर्मिस आ जाता है, दैट इज़ रिलेटेड टू स्किन। तो हाइपोडर्मिक एम्बाल्मिंग में क्या होता है, इंजेक्शन ऑफ एम्बाल्मिंग केमिकल्स अंडर द स्किन, मतलब कि क्या है, स्किन के अंडर जो है वहाँ पे केमिकल डाल देते हैं ताकि स्किन जो है वो जो है उसमें कोई भी डिकम्पोजिशन ना हो। तो स्किन जो है वहाँ पे हम लोग स्किन के जस्ट नीचे वाले जो लेयर्स है वहाँ पे हम लोग केमिकल्स इंसर्ट कर देते हैं। सरफेस एम्बाल्मिंग का मतलब ये है, सरफेस मतलब ये जो ऊपर जो होता है सरफेस वगैरह, ऊपर के जो एरियाज होते हैं, दैट इज़ नोन एज़ सरफेस। उसमें क्या होता है, अगर कोई भी इंजरी हो जाती है, कोई भी इंजरी हो गया, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इंजरी जो है
अगर कहीं भी हमें पता लग जाता है इंजरी हो रखा है, दैट मीन्स वहाँ पे क्या है, ये जो बैक्टीरियास वगैरह जो होते हैं, बैक्टीरियास एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन इन्वेड वेरी मच ईजिली एंड वेरी फास्ट. तो उस जगह को सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एम्बाल्व करेंगे. उसमें क्या करेंगे हम लोग, केमिकल्स जो है उसे ट्रीट करेंगे. जो है कभी कभी क्या होता है, इसमें एक से दो घंटा जो है, ए टिपिकल एम्बाल्मिंग वगैरह जो होती है वो एक से दो घंटे जो लेती है. और जहाँ जहाँ पर विजिबल है, जहाँ जहाँ पर जो भी इंजरीज जो है जो बहुत विजिबल है, अगर उसको एम्बाल्मिंग करना होता है तो बहुत सारे जो आवर्स जो है वो लेती है. तो सरफेस एम्बाल्मिंग का मतलब जो है क्या होता है, सरफेस में मतलब कि जहाँ जहाँ बॉडी पार्ट्स जो हमारे पूरी बॉडी में, अगर ऊपर की तरफ से कोई भी इंजरी हो रखा हो, किसी का डेथ जो है कोई भी इंजरी या ट्रामा की वजह से हो रखा हो, जिसके वजह से इंजरी हो गया हमारे सरफेस में, तो फिर वहाँ पे क्या करेंगे हम एम्बाल्मिंग कर, उसको इस तरीके से एम्बाल्मिंग करेंगे ताकि बॉडी जो है वो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कॉन्टेक्ट में ना आए और उसके बाद जल्दी डिकम्पोज ना हो. तो ये है स्टेप्स ऑफ द एम्बाल्मिंग. उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ एम्बाल्मिंग, हम एम्बाल्मिंग क्यों करते हैं. सबसे पहले रीज़न तो यही है, प्रिजर्विंग डेड बॉडी फ्रॉम डिके, मतलब कि डेड बॉडी जो है उसको डिकम्पोज होने से बचाने के लिए हम लोग एम्बाल्मिंग करते हैं. एम्बाल्मिंग मैंने अभी पहले भी बताया था, कुछ ऐसे रीजन से, कोई स्टडी रिलेटेड होता है और उसका रिसर्च रिलेटेड भी हो सकता है, और कुछ ऐसा होता है कि जो कि ये जो रिलीजन व्यूज़ की वजह से भी हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट या फिर कोई भी ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे बॉडी को प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि जितने भी उनके फैमिली मेम्बर्स जो है एटलीस्ट उनका लास्ट जो है लास्ट रिचुअल राइट्स जो है उनके प्रेजेंस में हो. दैट इज़ द रीज़न हम लोग एम्बाल्मिंग कर सकते हैं. उसमें क्या है, फर्स्ट इज़ प्रिजर्विंग डेड बॉडी फ्रॉम डिके एंड सेकेंड इज़ इंजेक्टिंग केमिकल्स टू किल बैक्टीरिया, thereby prevents rapid decomposition of the tissues. मतलब कि अगर बैक्टीरिया जो है अगर बॉडी में इन्वेड हो जाता है और बैक्टीरिया जो है अगर पूरे बॉडी में फैल जाती है तो क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो बहुत जल्दी कोई भी बॉडी जो है उसको गला देता है. उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, खुद का जो इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड्स वगैरह जो होती है अंदर के जितने भी बॉडी के फ्लूइड्स जो होती है वो भी क्या करता है, वो भी धीरे धीरे क्या होता है बॉडी से निकलना शुरू हो जाता है. बॉडी से निकल के शुरू होकर फिर कहाँ पर रहता है, ये जो स्किन्स वगैरह जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स जो है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, नॉट फ्लूइड्स, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में सारे जो जितने भी फ्रूट्स वगैरह है जो वो निकलने आ जाते हैं. तभी ऐसा लगता है कि बॉडी जो है बिल्कुल पफ्ड अप जो होता है. दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि अंदर के जितने भी फ्रूट्स थे वो सब कुछ बाहर आ रहा है सेल के बाहर. तो उस चीज़ को बैक्टीरिया जो है उसको मारने के लिए केमिकल्स हम इसलिए यूज़ करें ताकि बैक्टीरिया जो है उसको हम मार दें, पहले तो उसको किल कर दें. उसके बाद बैक्टीरिया अगर किल हो गया तो फिर क्या होगा, डिकम्पोजिशन जो है बहुत स्लो प्रोसेस हो जाएगी. ऐसा नहीं कि डिकम्पोज नहीं होगा, डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन बहुत स्लो रेट में हो जाएगा जब तक हमारा जो भी हमारा रीज़न जो है जिस चीज़ जिस वजह से हम एम्बाल्मिंग कर रहे हैं तो वो चीज़ जो है उसको पूरा हो जाए. एम्बाल्मिंग जो है आई थिंक आपको समझ में आ गया हो. थैंक यू क्लास.